पब्लिक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन और हिमाचल प्रदेश में मिली जीत पर जश्न मनाया। खुशी में झूमे कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान का वितरण किया। कार्यकारी जिलाध्यक्ष भगवत डसीला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में मिली जीत को आम जनता की जीत बताया और कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पुरजोर जोर लगाने वाली भाजपा का झूठा गुरूर टूट चुका है। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि भाजपा देश के किसी एजेंडे को उठाकर लोगों को भ्रमित कर रही है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आज तक हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं नारी को दबाने का प्रयास किया जाता था और कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व अपना नेतृत्व उनको दिया, पूरी पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी को दिया। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ और हमेशा से कांग्रेस पार्टी का ध्येय रहा है कि वो महिलाओं को और दलित सभी समानता का भाव कांग्रेस पार्टी का रहता है। और मैं साथ ही कहूँगी कि आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर सोनिया गांधी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से यहाँ पर मनाया है और अभी हमारा कार्यक्रम यहाँ पर फल वितरण का भी जिला चिकित्सालय में फल वितरण का कार्यक्रम भी है और सभी लोग हम लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं। अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद अदा करूंगा, उनके बनते ही उन्होंने अपने हिमाचल से उन्होंने अपना खाता खोला है। धीरे हम पूरे देश में हम धीरे धीरे प्रत्येक राज्य में अपनी सीटें और सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। इसी संभावनाओं में हम आगे 2024 में हम बढ़ चढ़ करके भागीदारी करेंगे। अभी हमारे सामने जो लक्ष्य है, पहले नगर पालिका का है, उसके बाद लोकसभा है, लोकसभा के बाद 2027 में विधानसभा का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता।